हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आरबी सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका आरबी जी टेक यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीमियम मेक U700 गियरबॉक्स, 7 इंची गियरबॉक्स के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इनकी बैरिंग और आयल सील डिटेल के बारे में, जिसका रेशियो है 40:1। 7 इंच का गियरबॉक्स है। बैरिंग और आयल सील डिटेल के साथ साथ में हम डिस्कस करेंगे इसके एक्सियल फ्लोट के बारे में, जो बैरिंग क्लियरेंस होता है, और आयल कैपेसिटी, जो इसमें आयल पड़ता है कितनी कैपेसिटी किस गियरबॉक्स में होनी चाहिए। तो इसके पहले हम U400, 500 और 600 का बैरिंग और आयल सील डिटेल का वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आगे हम 800, 900, 1200, 1700 गियरबॉक्स का भी वीडियो अपलोड करेंगे। तो U700 की बैरिंग और आयल सील डिटेल जानने के लिए हम वीडियो में हमारे साथ में बने रहें। जैसा कि आपको पता है, U700 जो है U में आता है, O में आता है और V में आता है, यानी वर्टिकल पोजीशन में लगता है उसको V कहते हैं, और जो जिसमें वार्म शाफ्ट नीचे लगी रहती है उसको यू कहते हैं, जिसमें वार्म शाफ्ट ऊपर होती है और हुल शाफ्ट नीचे होती है उस मॉडल को हम ओ कहते हैं। तो ऐसे हो जाता है कि U700, O700, V700। ओ, यू और वी तीनों मॉडल के बैरिंग और आयल सील कॉमन होते हैं, एक ही नंबर के बैरिंग और आयल सील लगते हैं। 700 में चाहे ओ हो, चाहे वी हो, चाहे यू हो, तीनों में एक ही बैरिंग और आयल सील लगती हैं। और रेशियो चाहे 5:1 हो, चाहे 15:1 हो, चाहे 40:1 हो या 70:1 हो, सारे के आयल सील और बैरिंग कॉमन रहते हैं। U700 स्मॉल इंडस्ट्री में छोटी कन्वेयरों पे लगाया जाता है, और इसका वी वाला जो है वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में एरेटर एप्लीकेशन पे मुख्यतः लगता है, और भी छोटी एप्लीकेशन के लिए यूज़ होते हैं U700 गियरबॉक्स। जैसा कि फिगर में हम देख रहे हैं, नीचे वाली शाफ्ट को वार्म शाफ्ट बोलते हैं और ऊपर वाली शाफ्ट को हुईल शाफ्ट बोलते हैं। वार्म शाफ्ट मोटर के साथ कनेक्ट होती है, और हुईल शाफ्ट जिस इक्विपमेंट को हमको चलाना है उसके साथ में कनेक्ट होती है। तो दोनों के बैरिंग आयल सील डिटेल हम देखते हैं। तो इसकी वार्म शाफ्ट यानी इनपुट शाफ्ट पे बैरिंग जो लगती है वो होती है 31312, जिनकी क्वांटिटी 2 रहती है, और आउटपुट शाफ्ट यानी व्हील शाफ्ट पे जो बैरिंग लगती है उसका नंबर होता है 30214। ये टेपर रोलर बैरिंग है, इनकी भी क्वांटिटी 2 रहती है, और इनपुट पे जो आयल सील लगती है उसका नंबर है 50×70×10 mm, इनकी क्वांटिटी 2 रहती है, और इसके आउटपुट शाफ्ट यानी व्हील शाफ्ट पे जो आयल सील लगती है उसका नंबर है 70×90×10 mm में होती है, इसकी क्वांटिटी 1 लगती है। जो हमने आयल सील और बैरिंग डिटेल देखे हैं ये हमारे स्टैंडर्ड गियरबॉक्स के हैं, जो इस समय रनिंग गियरबॉक्स हैं, यानी जो प्लांट इस समय मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है पिछले 10-12 साल से, उनका ये नंबर है। अगर आपका गियरबॉक्स इससे पुराना है, 12-13 साल से पुराना गियरबॉक्स है, तो आपको इसका दूसरा चार्ट हम इसके साथ में अटैच कर देंगे, उससे जा कर के आप अपने गियरबॉक्स के अकॉर्डिंग आयल सील और बैरिंग सर्च कर सकते हैं। बैरिंग रिप्लेसमेंट करने के बाद जब आप गियरबॉक्स असेंबल करेंगे तो इसमें एक्सियल फ्लोट मेंटेन करना होता है, यानी शाफ्ट बिल्कुल टाइट भी ना हो और ज़्यादा लूज भी ना हो। तो शाफ्ट का जो मूवमेंट होता है, उसके एक्सियल मूवमेंट जो होता है उसका, वो कितना होना चाहिए गियरबॉक्स के मॉडल के हिसाब से, वो सारे गियरबॉक्स का हम जो प्रीमियम मैन्युफैक्चर करती है वो सारे गियरबॉक्स का चार्ट हम अटैच कर रहे हैं। ये जो सामने आपको चार्ट दिख रहा है, इसमें अगर आपका 700 गियरबॉक्स है तो इसमें जो है अपना एक्सियल फ्लोट रखना है 0.05 से 0.1 के बीच में, और ये इनपुट का रहेगा, आउटपुट का भी सामने लिखा हुआ है 0.025 से 0.075 mm। इसके अलावा अगर आपका कोई भी दूसरा भी मॉडल है तो सारे मॉडल का आप इस चार्ट से अपना एक्सियल फ्लोट देख सकते हैं। एक्चुअली इसका एक्सियल फ्लोट जो होता है, जिस किसी भी शाफ्ट का जिसमें टेपर रोलर बैरिंग लगी हुई है, जो एक्सियल फ्लोट आता है उसके 2 हमारा बैरिंग क्लियरेंस हो जाता है। और ये हमने एक चार्ट इसमें लगा दिया है, जिससे हमारा किसी भी वार्म गियरबॉक्स में आयल कैपेसिटी क्या रहती है वो आप इससे देख सकते हैं। जैसे कि हमारा U700 है, U700 में हमारा 9.1 लीटर
320 ग्रेड का ऑयल पड़ता है। तो किसी भी गियरबॉक्स का, जितने भी हमारे यू टाइप वो टाइप या वी टाइप के गियरबॉक्स, वार्म गियरबॉक्स हैं, सारे का ये ऑयल कैपेसिटी इसका चार्ट इसमें लगा हुआ है, जो कि आपको आगे काम आएगा। प्रीमियम मेक के सारे जितने भी वार्म गियरबॉक्स हैं सब में 320 ग्रेड का ही गियर ऑयल पड़ता है। ये कंप्लीट चार्ट है U700 की बेयरिंग और ऑयल सेल डिटेल का, जिसमें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। वो AB डिज़ाइन जो हमारा रनिंग डिज़ाइन है उसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपका गियरबॉक्स 10-12 साल से ज़्यादा पुराना है तो TR डिज़ाइन का होगा, और उससे भी पुराना है तो AC डिज़ाइन का होगा। और ये डिज़ाइन आपको आपके गियरबॉक्स के सीरियल नंबर में जो दूसरा अल्फ़ाबेट डिजिट रहेगा उसमें लिखा रहेगा C या R या AB, उससे आप पकड़ लेंगे कि आपका गियरबॉक्स किस डिज़ाइन का है। उसके अकॉर्डिंग आप इस चार्ट से अपना बेयरिंग और ऑयल सील सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको 1% भी अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।